Hello dear students, how are you? Today we have started the new series regarding the TET class. So now for the next ongoing batch or the next session from 2021 to 2022, we have started the series and this series will go continue up to 2022. And now we have started from today and our first topic is regarding Euclid division algorithm. You have to know about it. तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि लेमा क्या होता है, देन आपको समझना होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, और फिर आपको समझना होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तब आपको समझ में आएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो पहले हमें समझना होगा लेमा के बारे में। क्या होता है लेमा? स्पेलिंग देख लो आप, LEMA, लेमा। तो लेमा कहते हैं एक प्रूवेन स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट को हेल्प करता है प्रूफ में, प्रूफ करने में। यानी वन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट इज टर्म एज लेमा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेमा, सिंपल कॉन्सेप्ट। जस्ट लाइक अगर आपको पता है इंग्लिश में सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस लाइक स्टेटमेंट either affirmative or negative. Affirmative means yes sentence, negative means no sentence. तो जो आपके statement होते हैं, तो lemma भी क्या है? एक statement है, means एक statement जो help करता है दूसरे statement को prove करने में। This is the concept of lemma. इसके बाद आपका आता है algorithm. अब algorithm क्या होता है? This is a series of well defined steps. जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा डायमंड, एलिप्स, पैरेललोग्राम शेप, ओवल, एलिप्टिकल, ये जो आपके इफ एल्स कंडीशन थे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो क्या था? वो एल्गोरिथम था। यानी अगर आप जो फ्लो चार्ट बनाते थे उसमें अगर आपने पढ़ा होगा इस टाइप से शेप कंप्यूटर में, या आपने इस टाइप के शेप्स पढ़े होंगे, फिर आपने सर्किल पढ़ा होगा, फिर आपने डायमंड शेप पढ़ा होगा, तो ये जो सारे चीजें होती है ये कहाँ पर आपने पढ़ा था? फ्लो चार्ट में पढ़ा था, एल्गोरिथम। तो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, तो यहाँ पर भी एल्गोरिथम क्या होता है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है टू सॉर्ट आउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप होते हैं हमारा। नेक्स्ट अब इसमें कॉन्सेप्ट आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? इन चीजों पर मैं यहां पर रख कर दे रहा हूं। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर क्या होता है आपके? जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, अगर आपने पढ़ा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी से, या फिर आप याद करो, आपने इस तरह से पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये कंसेप्ट पढ़ा होगा ना। तो ये एफ एक्स क्या होता है? डिविडेंड। ये जो जी एक्स है ये आपका क्या हो गया? डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर। अब यही कॉन्सेप्ट मैं कहां पे लगा दूं आपका? इस जगह हम लगा देते हैं इनके लिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के लिए। तो a जो है वो आपका क्या हो जाएगा? दिस a इज टर्म्ड एज डिविडेंड। यानी जो ये a है, समझो इस चीज को ध्यान से, a को हम क्या कहेंगे आपका? डिविडेंड कहेंगे। a इज टर्म्ड एज डिविडेंड। b आपका क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा। q क्या हो जाएगा? क्वोशेंट हो जाएगा। r क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। सब हम यहां पर लिख सकते हैं डिवाइजर, इसको क्या लिख सकते हैं? क्वोशेंट, और ये आप लिख सकते हैं रिमाइंडर। तो ए और बी यहां पे क्या है? दैट इज द इंटीजर। ए और बी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर होता है कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर, या फिर आप ये बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर जीरो एंड नेचुरल नंबर, या कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर
जीरो एंड काउंटिंग नंबर, इसी को हम क्या कहते हैं इंटीजर। तो ए और बी आपका क्या है इंटीजर है, क्यू और आर। अब यहाँ पे आता है आर का वैल्यू, आर जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जैसे इसको और अगर अच्छे से समझना आप एक एग्जाम्पल लेते हैं नंबर का, तो यही सारी चीजें आपको किसमें आएगी यूक्लिड डिवीजन लेमा में आएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो अब यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ आपके, जैसे 25 है, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, अगर एक नंबर ले लिया मैंने 6, तो ये जो 25 है ये आपके क्या हो जाएंगे डिविडेंड हो जाएंगे, 6 क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। तो ये कितने की टेबल में जाएगा 6 4 का कैरी क्या हो गया 1। तो ये जो आपका 1 कैरी हो रहा है दैट इज द रिमाइंडर। ये जो 4 है आपका क्या ये क्वेश्चेंट है, तो हम इसी को लिखते हैं दिस इज द ए दिस इज द बी दिस इज द क्यू एंड दिस इज आर। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर। इसी को हम लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 6 × 4 प्लस आर, आर का वैल्यू 1। तो यहां से क्या पता चला आर का ये तो वैल्यू जीरो भी हो सकता है या फिर जीरो से ग्रेटर होगा। तो हम लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पे क्या है आपका आर इज ग्रेटर देन जीरो है। अगर यहाँ पर वैल्यू आपका 25 की जगह 24 होता है तो पूरा का पूरा रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब है कि आर का वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है और ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता आर का वैल्यू। अच्छा अब नेक्स्ट आपका क्या आता है वो चीज समझो यहाँ पे। तो आपने अगर ये तो कंपेयर करना सीख लिया होगा ए 25 बी 6 क्यू 4 आर 1। अब ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए जो होगा वो क्या होगा बी से ग्रेटर होगा, तभी जाकर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हो। दिस इज अ कंडीशन, ये सब क्या होते हैं आपके कंडीशंस होते हैं और आपको कंडीशंस सीखना चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि बी और आर के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये भी चीज समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख लो क्या हो रहा है बी इज ग्रेटर देन आर, ये भी एक कंडीशन है। तो टोटल यहाँ पर आपके कितने कंडीशन बने, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, फिर बी इज ग्रेटर देन आर एंड देन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपके 3 कंडीशन यहाँ से आए। अब इसी को अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो तो अगर मुझे यूक्लिड डिवीजन के टर्म में लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के टर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर हम सेमी कोलन लगाते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड आर इज लेस देन बी, आर जो होगा वो क्या होगा बी से कम होगा। ये दिस इज द कंसेप्ट। अब हम अगर आगे आए तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अगर चाहो तो आप ऐसे लिख लो ए इज ग्रेटर देन बी। ये दो कंडीशन अगर आपका क्लियर है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, इन चीजों को समझ लो। ए और बी क्या है आपके इंटीजर्स है, क्यू क्वेश्चन है, आर रिमाइंडर है, और ये कंडीशन होता है अगर आपको यूक्लिड डिवीजन जब भी सॉल्व करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो यहां पे अगर एक मैं क्वेश्चन लू, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या लेना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेना है टू फाइंड आउट द HCF of 270 and अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया 675, ये हमारा एक क्वेश्चन है 270 and 675, इसका हमें HCF निकालना। एक तो बच्चा में आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि बस इस तरह से लिख देना है, कैसे 270 ले लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया
और 675 लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो दोनों वैल्यू आया फिर दोनों में जो कॉमन लेते थे वो आप निकाल लेते थे एचसीएफ। ओके आंसर तो आ जाएगा, बट ये एचसीएफ यहाँ पे टेन क्लास है और टेन क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका तरीका अलग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 270 एंड 675। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो देखो अब यहाँ पे बच्चे लोग अच्छे से देखो, समझ रहे हो ना, चलो देखो अब यहाँ तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला ऑलरेडी, ये आपका क्वेश्चन है, अब मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो यहाँ पे हमें लिखना क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले लिखो कि ए और बी क्या है, आपके दो नंबर है 270 है और 675 है, आप ए किसको कंसिडर करोगे और बी किसको कंसिडर करोगे। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे ये जो दो नंबर आपके 270 और 675, तो जाहिर बात है जो बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो छोटा नंबर है वो बी, तो ये ऐसा सिंबल लग जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, देखो तरीका देखो, यहाँ पे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, यहाँ पे आप लिखो लेमा, क्या लेना है क्या लिखेंगे, यूक्लिड ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे। तो जब ये आपने लिखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर आपका क्या है, a का वैल्यू 675, b का वैल्यू क्या है 270 है। अच्छा कंडीशन भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा, यहाँ पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b, ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, इस तरह से लिखा जाता है। तो 675 इक्वल टू अभी कितना से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे वो चीज लिखना है, और रिमाइंडर क्या होगा वो चीज लिखना पड़ेगा। अब इसको ये चीज करने के लिए मुझे क्या करना है, साइड में आपको एचसीएफ का भी मेथड लेके चलना पड़ेगा, कैसे वो चीज देखो यहाँ पे, जैसे कि हमारा नंबर क्या है 675 और 275, हम कितने के टेबल से इसको ले लेंगे कि हमारा काम हो जाए। तो देखो अगर यहाँ पे हम लेते हैं 275 और 675 पर, अगर क्या हम 3 के टेबल में ले तो हमारा आ रहा है, तो 2 3 675 नहीं, यानी इसे एक कम लेना पड़ेगा, 2 के टेबल में लेते हैं, तो अगर 2 के टेबल में लिया तो क्या आ जाएगा 275 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कर दो तो ये आपको कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, ठीक है माइनस कर लो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, यहाँ पे क्या हो जाएगा 61। अब ये जो 125 आए, अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 270 क्या था आपका नंबर यहाँ पे, अच्छा हम यहाँ पे 275, एक काम करो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्या 270 कर लें, ये 275 ये चलो ठीक है 270 ही कर लेते हैं, इसको यहाँ पे देखो क्या था यहाँ पे 270 था ना, 675 है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 डे टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा आपका 540, माइनस कर लो 5 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 270 इंटू 2 प्लस 135, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी आपको ये वाला भी लेकर चलना है और साथ में ये वाला डिवीजन भी आपको लेकर चलना है। अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो ये नंबर है आपका देखो 135, इसको फिर डिवाइड करो किससे 270 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 135 टू टाइम में चला जाएगा 270, ये आपका क्या हो गया 0 हो गया। अरे आपके अब देखो अगला स्टेप क्या बन जाएगा, 270 इज इक्वल टू ये आपका हो गया ए, ये हो जाएगा बी 135 इंटू ये क्यू हो जाएगा 2 प्लस आर, आर का वैल्यू क्या है 0 है। जैसे ही आपका आर का वैल्यू 0 आएगा, जो आपका नंबर ये जो बी है वही आपका क्या हो जाएगा एस सी एफ आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हियर आर इक्वल टू 0, सो बी इज द एस सी एफ, तो ये जो आपका जो बी है यानी आपने जिसको कंपेयर किया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे आपका एस सी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 135। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो ये होता है आपका बनाने का तरीका, और भी अगर हम इस पर एक क्वेश्चन ले सकते हैं उसको भी बना सकते हैं, तो हम एक और क्वेश्चन इस पर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए ताकि इस पर आपको क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो आज यहीं के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।